तो जैसे मैंने सुबह बोला था, तुलसी मैया के लिए आज कुछ जुगाड़ करेंगे परमानेंट। हे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9 और मौसम देखो कैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है 6 या 7 बज रहे हैं और पूरी रात बारिश हुई है। मौसम बिल्कुल सुहाना कर, ठंडा ठंडा मज़ा आ रहा है। हाँ, ठंड लग रही है। मैं छत पे आया हूँ, देखो पूरी पूरा छत गीला गीला हो रखा है। और एक चीज़ पे मुझे भी अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, वो ये है, दिखाऊँ क्या है? वो ये है, देखो ये लगाया था इनका सपोर्टर, पूरी रात बारिश हुई, ये भी हट गया अपना। और देखो जीना ऐसे ही रह गया, और पूरी रात बारिश हुई है। ये पेड़ देखो थोड़ा थोड़ा बच गया, बस इतना बचा हुआ है, तो इसको जल्द से जल्द प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जिससे ये बच जाए। पूरी रात बारिश हुई है तो देखो मिट्टी पूरी गीली है। और अब फिर बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे ये इनके लिए कुछ करना ही कर पड़ेगा, परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और आप कमेंट में बताना मैं इनके लिए और क्या बेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपना जुगाड़ करके देखता हूँ। और बारिश स्टार्ट हो गई है, ठंड लग रही है, अभी नीचे जाता हूँ और चाय पीता हूँ और ठंड का मज़ा लेता हूँ कंबल में, क्योंकि बाहर तो निकला जाएगा नहीं, क्योंकि बारिश, जैसे मैं छत पे आया बारिश स्टार्ट हो गई है और कुछ ऐसा नज़ारा है मस्त। और ठंड लग रही है, कुछ ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, पता नहीं बारिश दिख नहीं रही, तो कोई नहीं अभी चलते नीचे। अभी मैंने ब्रश भी नहीं करा, ब्रश करता हूँ। और सबसे मेन बात, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, और रिचार्ज ख़त्म हो गया, रिचार्ज के पैसे है नहीं मेरे पास। अब मुझे सबसे मांगना पड़ा, मैंने मम्मी से लिए 50 रुपये, पापा से लिए 50 रुपये, नहीं मम्मी से लिए 100 रुपये, पापा से लिए 50 रुपये, दीदी से 10 रुपये लिए, 10 रुपये मेरे पास पड़े। तो ऐसे जोड़ जाड़ के मुझे रिचार्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई पैसे नहीं देता मुझे रिचार्ज को, मुझे खुद करना पड़ता है। और फोन में रिचार्ज नहीं होगा तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा डेली, इसलिए रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी मैं जाता हूँ, अभी पापा से लिए नहीं है, दीदी और मम्मी से तो ले लिए, तो पापा से जाके लेता हूँ और पहले रिचार्ज करता हूँ और फिर चाय का मज़ा लेता हूँ। बस आ गई अपनी चाय, चाय पत्ती कम दूध ज़्यादा, मैं चाय पीता नहीं हूँ क्योंकि मैं बच्चा हूँ। ये पकौड़े और ये नमकीन और ये प्लेट जो कई सालों के बाद निकाली गई है, वो भी बस वीडियो बनाने के लिए। मैं तो बस ऐसे ही कप लेता हूँ और नमकीन खा लिया बस, वो तो बस शो ऑफ के लिए इतना प्लेट में इतना सजा सजा कर दिया है मम्मी ने ताकि दिखा सकूँ। अभी फ़िलहाल चाय पी नज़ारा ले रहा हूँ यहाँ से, और पीछे आग भी जल चुकी है, वहाँ पे आग आग तेज पेंगे। तो अभी मैं बाहर आया हुआ था कुछ प्रिंट आउट के काम से, ये प्रिंट आउट निकाल लिया और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। और रोड का बहुत बुरा हाल हो रहा है, प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। तो ये वीडियो हो गया है एडिट, काम ख़त्म, एडिट हो गया, तो वीडियो अपलोड कंप्लीटेड, वीडियो आ गई है और मेरा काम हो गया है ख़त्म। अब चलते हैं। तो जैसे मैंने सुबह बोला था, तुलसी मैया के लिए आज कुछ जुगाड़ करेंगे परमानेंट। तो ये कुछ पन्नी है मेरे पास, जो मेरे पास रिटर्न आती है ईकॉम एक्सप्रेस, ऐसे सारी काफ़ी सारी पन्नी है, ये फेंक देते हैं कुछ किसी काम करें, तो इन्हीं को यूज़ करके कुछ बनाते हैं बढ़िया सा। पहले बनाता हूँ फिर उसके बाद दिखाता हूँ। फाइनली बहुत मेहनत के बाद पूरा कंप्लीट, मैंने इसको काइट की शेप दे दी और मैंने इसको पन्नी को जो जोड़ा है वो टेप से जोड़ा है, और बिल्कुल अच्छे जोड़ा है। अब निकलेगा नहीं, मैं इसको पीछे पलट के दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है इस शेप में, ट्री के शेप में है, ठीक है, नीचे अच्छा खासा गैप है। तो काफ़ी मेहनत के बाद एक एक टेप जोड़ने के बाद, लेकिन दुख इस बात का है कि बस ये एक ही पेड़ का बना है, मैं इसको चेक करके आ गया, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन ये दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही। फ़िलहाल मैंने अभी वही टेम्प्रेरी वाला सेट करके आ गया हूँ तुलसी मैया के लिए, इसको जाके हम सुबह लगाएंगे।
सुबह सुबह, और ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक तो कंप्लीट हो गया, अब एक को और कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसको बाद में करेंगे। फिलहाल इसको मैं लगाऊंगा कल सुबह, और बस अभी तो ये काफ़ी एक घंटा के आसपास हो गया इसको करते करते, और ये कंप्लीट हो गया है। तो ये आ गया है ठंड में गर्मा गर्म मैक्रोनी जो बना है दीदी ने। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं बता दूंगा, आप भी घर में बैठ के बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैक्रोनी पिज़्ज़ा जो भी मन करे घर में बना के खाओ, अभी बाहर का खाना नहीं खाना वही सही है। तो ज़्यादा मैं फालतू ज्ञान ना देके मैं मैक्रोनी ख़त्म करता हूँ, और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा हो, और अपना सेहत का ध्यान रखना। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। बाय बाय।